Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे RSI के एक और पहलू की जिसका नाम है लाउड मूव। लाउड मूव मतलब कि मार्केट में ऐसा एक मूव आता है जिससे पता चलता है कि ये स्टॉक का ट्रेंड खत्म हो गया, मतलब अप ट्रेंड खत्म हो गया या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। और में से बहुत सारे लाउड मूव हमने अभी रिसेंटली लास्ट दो हफ्ते में देखे, जब से मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2024-2023 जैसा नहीं रहेगा, वॉलेटाइल होगा और आपको शॉर्ट करना सीखना पड़ेगा, राइट। और फर्स्ट थिंग गुड न्यूज इज दैट हम एक ब्रांड न्यू प्रोग्राम इनफैक्ट कॉल्ड डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग सीक्रेट्स लेके आ रहे मार्च में, और उसके बारे में और जानकारी मैं आपको दूंगा। यू कैन गो टू द abct.com। abct भी हो रहा है हमारे साथ अगले हफ्ते। सो एक डिफरेंट वैलेंटाइन कॉम्बो है, और वैलेंटाइन का समय है, लाल टी शर्ट, लाल कलर, लाल कैंडल और लाल कलर का हार्ट। तो वैलेंटाइन इस बार आप डाउन ट्रेंड को बनाओ कि आई लव डाउन ट्रेंड्स, आई लव रेड कैंडल्स एंड आई लव टू मेक मनी इन द शॉर्ट। अगर शॉर्ट सेलिंग नहीं सीखा तो ये साल में पैसा बनाना मुश्किल होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्केट एनालिसिस। जो मैं RSI की बात कर रहा था वो कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, तो चलिए पहले देखते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे हमारे लास्ट ईयर, उसमें अभी हमने लाउड मूव देखना शुरू कर दिया। सो ये आपके स्क्रीन पे है, विच इज कॉल्ड REC। अब आप REC में देखोगे कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, मतलब ये 150 वाला 400 500 तक पहुंच गया, तीन गुना हो गया। बट अभी उसने लास्ट तीन दिन में एक लाउड मूव किया। लाउड मूव ये जो आपको दिख रहा है, जो लाउड मूव RSI पे भी है। क्यों? क्योंकि वो एक 70 RSI से 45 RSI हो गया दो दिन तीन दिन के अंदर। दिस कॉल्ड लाउड मूव। अब आप देखोगे कि एक लाउड मूव इधर भी है, यू कैन सी दिस, बट दिस इज इनफ, दिस इज अबाउट 60 ओनली। तो जब ये एक रेंज से दूसरे रेंज पे जाता है, विच इज फ्रॉम 170 टू 30 या 45, दैट इज कॉल्ड लाउड मूव, राइट। दैट्स व्हाई इट इज अ सिग्नल बाय द मार्केट कि अभी मेरा ट्रेंड खत्म, अब मैं हॉल्ट लूंगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा या तो साइडवेज हो, मतलब ऊपर जाना बंद। तो ये लाउड मूव एक सिग्नल है, जैसे मैं डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग सीक्रेट्स की बात कर रहा था। तो चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग सीक्रेट्स जो दो दिन का प्रोग्राम हम मार्च में करने वाले, उसमें क्या सीखेंगे, विच इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकिल एंड इट्स स्टेजेस, व्हाट आर द डाउन ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स, स्टडिंग द हिस्टोरिकल मार्केट क्रैशेस, मतलब पिछली बार जो हुआ है वही इस बार होने वाला है, हर बार होता है, उसको स्टडी करने से क्या फायदा, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, और आइडेंटिफाइंग क्रैश वर्सेस करेक्शन। तो एक चीज है, जब एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है 10% के नजदीक, तो उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, उससे लंबा होगा तो रिवर्सल होगा और उसे लंबा होगा तो रिसेशन होता है, राइट। अब ये रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल है या रिसेशन है, वो कैसे पता चलेगा, राइट। कुछ कुछ इंडिकेटर्स है, जब मार्केट ऊपर से गिरना शुरू होता है तब तो हमको पता नहीं है कि क्रैश है कि करेक्शन है या रिट्रेसमेंट है कि रिवर्सल है, हमको ऊपर क्या साइन मिलेगी वो हम स्टडी करेंगे। कुछ कुछ क्रैश है, देखो ये इसको क्रैश, ये सारे क्रैश हुए, अडानी में लास्ट ईयर क्रैश हुआ था, कोविड में क्रैश हुआ था, और अगर ये पेटीएम का क्रैश अभी भी चल रहा है, और यस बैंक का कुछ साल पहले हुआ था, बट छोटे जो होते हैं जैसे इक्विनॉक्स में हुआ था, एक रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, राइट। और वैसे ही अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे, सो यू गो टू अ पेज विच विल लुक लाइक दिस abct.com, और वहां पे आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा एक वीडियो जहां पे मैंने डाउन ट्रेंड के बारे में बात की है, एंड यू कैन अटेंड दैट, वॉच दिस वीडियो ऑन डाउन ट्रेंड एंड देन डिसाइड टू टेक द वैलेंटाइन स्पेशल ऑफर जो अभी चल रहा है, राइट। सो दैट इज वॉट, अगेन लेट्स कम बैक टू जो अभी मैंने बताया कि ये वाला फॉल और ये वाला छोटा सा फॉल और ये वाले फॉल में क्या फर्क है। इसमें ये फर्क है कि ये लाउड मूव है। तो मैंने जो डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग सीक्रेट्स है कि क्रैश और करेक्शन को पहचानना कैसे है, उसके कुछ 6-7 तरीके हैं, उसमें से एक है लाउड मूव जो आपने अभी देखा REC में, मतलब ये ट्रेंड ऊपर का खत्म हो गया, तो अभी मैं इसको शॉर्ट करने का सोच सकता हूँ, या ऑलरेडी मैंने किया था और कवर भी कर लिया, बट अभी वापस सोच सकता हूँ क्योंकि इसका अभी जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था ना वो खत्म हो। सेम चीज हमने देखा PFC में भी,
सो इफ यू सी दोनों साथ में ही चल रहे, सो दैट इज ऑल्सो अलाउड मूव. सो फॉर द टाइमिंग द टॉप इज मेड. अब ये नया हाई बनाने को शायद इसको कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं. ये लाउड मूव नहीं था, बट ये है क्योंकि ये एक रेंज 60 के ऊपर वाला बुलिश है, 60 के नीचे साइडवेज है. तो एक रेंज बुलिश रेंज से साइडवेज रेंज में वो 2 दिन में निकल गया. वैसे ही कुछ और लाउड मूव अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LNT कुछ दिनों पहले उसमें भी लाउड मूव हुआ था, गैप डाउन खुला था और उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चला गया. ऑफकोर्स बाकी सारी सिग्नल्स तो आपको दिख ही रहे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जेंस है. वो मल्टीपल डाइवर्जेंस पूरा RSI का एक सीरीज है, यूट्यूब पे आप चेक करो बराबर से, सब सीखने को मिलेगा आपको, वो भी बिल्कुल फ्री. सो मेक श्योर यू वॉच इट. फिर और क्या लाउड मूव देखने को मिलेगा आपको, जब भी एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड पे जाता है तब थोड़ा सा यहाँ पे सी देर वॉज वन लाउड मूव हियर कुछ कुछ महीनों पहले पे, वॉट एवर दिस स्टॉक इज ITC. उसके बाद देखो कितने टाइम तक वो साइडवेज रहा, ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल तक, राइट. और यहाँ पे एक छोटा सा लाउड मूव, नॉट द बेस्ट, सो दैट्स वॉट बट सो दैट इज वन थिंग वट वी नीड टू लर्न. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इज, लास्ट वीक हमने ब्रेकआउट की बात की थी बट वो ब्रेकआउट हुआ नहीं मेटल स्टॉक्स में और वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया. और मैंने ये भी बताया था कि वो फॉल्स ब्रेकआउट का नया नाम क्या है आजकल, पूनम पांडे ब्रेकआउट. और एक्चुअली हुआ ये, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, रेंज शिफ्ट भी है और ये बुल ट्रैप भी हो गया. सो मेटल का सारा ब्रेकआउट फेल हो गया, विच इज इफ यू लुक एट जिंदाल स्टील और यू लुक एट VDL, ऑल वर ट्राइंग टू ब्रेक आउट ये रेजिस्टेंस के ऊपर और वापस नीचे आ गया, राइट. एंड यू लुक एट हिंडालको, राइट, पूरा का पूरा सेक्टर. दिस इज लाइक अ लाउड मूव टू डाउनवर्ड साइड, मतलब ये बड़े गैप डाउन के साथ वॉल्यूम के साथ साइडवेज से रहे. और RSI का कमाल देखो, आप हर बार प्रॉपर रेंज शिफ्ट करने के बाद ही वो टर्न मारता है, राइट. सो वंस यू मास्टर वन थिंग विच इज वन कोच वन अप्रोच, गो डीप नॉट ब्रॉड, दैट्स वॉट यू नीड टू डू. खाली RSI पे फोकस करके 15 साल हो गए मुझे यहीं पे RSI को प्रैक्टिस करते करते, और उसी के लिए आज ये इतना सिंपल बन गया है, राइट. सो दैट्स वॉट इट इज. और एक लास्ट चीज आज के लिए, काफी नगेट्स मैंने आज शेयर किए लाउड मूव के बारे में और ब्रेकआउट के बारे में, फॉल्स ब्रेकआउट. सो इफ यू लुक एट द बेस्ट सिनेरियो हियर, 1, 2 और 3, तीन हायर टॉप, 1, 2 और 3 लोअर टॉप डाइवर्जेंस, और लास्ट में डबल टॉप और ये रेंज शिफ्ट, मतलब मार्केट बोल रहा है कि मैं साइडवेज. अब जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक मैं पूरी तरह से फुल फ्लेज बुलिश होने से मैं घबराऊंगा, और तब तक मुझे लगता है कि ये और बड़ा करेक्शन दे सकता है. ऐसे देखा जाए तो स्टॉक्स में तो बहुत करेक्शन हो चुका है, ये खाली निफ्टी में करेक्शन दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि रिलायंस ऊपर है, इंफोसिस ऊपर है और वैसे, बट एटलीस्ट 21,400, 21,200-21,400 तक आने का कोई उसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, विच इज अ थिंग. So we are out from this strong bullish market and we are into a choppy and volatile market, which is the sign I gave you for 2024, right? तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं सीखोगे, फ्यूचर करो या ऑप्शन करो, तो आप शायद पूरे साल में वो तरह से पैसा ना बना सको जैसे 2023 में किया था. इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ फॉर द डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग सीक्रेट्स विच इज हैपनिंग इन मार्च, बट उसके पहले अगले हफ्ते हो रहा है ABCD. सो मेक Make sure you go and check out the details at the link given. And I will see you again. What did you learn from this video? Down, आप short करते हो कि नहीं? क्या short किया कि नहीं इन last कुछ दिनों में? और जैसे मैंने बताया गिरगिट की तरह कलर बदलना है, लॉन्ग से शॉर्ट, शॉर्ट से लॉन्ग, जैसे मार्केट, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन साइडेड मार्केट, स्पेशली दो बजट, दो इलेक्शन, लीप ईयर, 8 नंबर और बहुत सारी चीजें होती है अप डाउन करने के लिए, और ये साल भी वैसा है. सो द सेम अप्रोच विल नॉट वर्क. So better get going, right? सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, go back to the basics, right? मैं खुद भी जो किताब मैंने 10-12 साल पहले पढ़ी थी आज फिर से पढ़ना शुरू किया, यही है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैम, यही वॉरेन बफे की फेवरेट बुक है. तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे नगेट्स है जो जिससे आपका ट्रेडिंग चेंज हो सकता है. सो एक ही इलाज है, अगर आपको कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो कंसिस्टेंटली लर्निंग करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बनना पड़ेगा. एंड आई वॉन्ट टू सी यू एट द डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेरी सून, एंड आई वॉन्ट टू सी यू एट द ABCD ऑल्सो नेक्स्ट वीक. ABCD में
श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग भी हो रहा है, उनका स्पेशल पॉडकास्ट भी है और बहुत सारी चीजें होने वाली. सो क्लिक द लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल्स. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.